बंडा। लॉकडाउन खुलते ही आम जन का कार्य हुआ सुचारू रूप से संचालित होने लगा है। शासन प्रशासन ने अब जनता को स्वयं सुरक्षा के लिए सतर्कता बरतने के साथ कार्य करने की अपील की है। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता श्याम सराफ का कहना है कि प्रवासी श्रमिकों को लॉकडाउन के पहले उन्हें अपने घर तक शासन को भेजना चाहिए था। दर्द होता है छोटे छोटे बच्चों के फोले देखकर, हजारों किलोमीटर दूर पैदल चलकर आए गरीब व्यक्तियों के चेहरों पर छाई उदासी देखकर दुख होता है। वरिष्ठ पार्षद देव कुमार यादव का कहना है कि देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए सरकार की मजबूरी थी। लॉकडाउन खोला जावे अब जनता की जवाबदारी है कि वह स्वयं की परिवार की एवं बस्ती की सुरक्षा के लिए अनलॉक में भी लॉकडाउन से भी ज्यादा सतर्कता बरतें। अनुसूचित जाति मोर्चा प्रभारी उमेद अहिरवार का कहना है कि मानव जाति को अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं आगे आना होगा। सरकार एवं प्रशासन ने लोगों की सुरक्षा के लिए हर कोशिश की है। बंडा संवाददाता टीकाराम साहू की रिपोर्ट। अनलॉक में भी लॉकडाउन से भी ज्यादा सख्त रहे, सामाजिक दूरी बनाए रहे, मास्क पहने और यहाँ वहाँ थूकना बंद करें। जितना भी जो भी मिले जय राम जी राम राम की परंपरा को अपना। मेरा जी कहना है कि सरकार ने जो लॉकडाउन एकदम से खोल दिया है उसमें अपने मानव को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ज़रूरी है ताकि कोरोना महामारी से लोगों का बचाव हो सके। शासन ने लंबे समय के बाद लॉकडाउन खोला है, इसमें जनता की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। शासन ने जो स्वास्थ्य विभाग ने नियम बनाए थे सोशल डिस्टेंस और बाकी उसके जो मास्क लगाना बाहर नहीं निकलना पड़े मास्क की, तो इसमें हमारी खुद की जवाबदारी बढ़ जाती है। हम तो एकदम से बंद नहीं किए जा सकते, सत्ता चलाना है, शासन चलाना है, जनता के कार्य करना है, आवागमन शुरू करना है और हमारे ख्याल से वर्तमान में खासतौर पर बंडा में अधिकारियों ने काफ़ी मेहनत की है। स्वास्थ्य विभाग ने और पुलिस विभाग ने प्रशासन ने इसकी हम प्रशंसा करते हैं, जो अधिकारी हैं उनकी करते हैं, जो चले गए उनकी करते हैं, लेकिन इसके बाद हमारी खुद की जवाबदारी बढ़ जाती है। हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, हमें बार बार हाथ धोने का ध्यान रखना पड़ेगा और हमें एक दूसरे को जनता को जो ग्रामीण क्षेत्र से जनता आई है उसको भी हमें जागृत करना पड़ेगा ताकि हमारी गतिविधियां आगे बढ़े, शासन को राजस्व की प्राप्ति हो। शासन को जो राजस्व की प्राप्ति होगी उससे जनता के आगे भी काम चलेंगे, क्योंकि शासन ने शुरुआत में उतनी मुस्तैदी नहीं दिखाई जितनी दिखाई जाना थी, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा पीड़ा है कि जो हमारे लाखों करोड़ों मजदूर दिल्ली गुजरात पंजाब हरियाणा से आए और उन्हें पैदल आना पड़ा और उसका भी समाजसेवियों ने काफ़ी सहाय से उनको भरपूर सहायता की है, लेकिन उनने जो कष्ट भोगा है वो असहनीय है, वो देखा नहीं जा सकता। उनके बच्चों के पैर में छाले पड़े हैं, तो उसको कम से कम केंद्रीय शासन को 15 दिन का समय उनके लिए देना था कि पहले उनको उनके गंतव्य तक पहुंचा दिया जाता, उसके बाद बाकी काम शुरू करना थे। इसलिए जो बाहर से आए हैं उनसे भी निवेदन है कि वे नियमों का पालन करें, जो यहाँ है उनसे भी निवेदन है कि नियमों का पालन करें और अपनी सुरक्षा स्वयं करें। बंडा नगर के आप सब पत्रकार भाइयों ने काफ़ी जागरूकता दिखाई, देव कुमार यादव आप सब सबके हम आभारी हैं और आपने मुझे समझ दिया, इसके लिए आप धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अभी आप चर्चा कर रहे थे पूर्व नगर पर पंचायत अध्यक्ष परस्त समाज सेवी कांग्रेसी नेता श्याम सराफ जी से, जिनका कहना है कि लॉकडाउन खुलने के बाद अब जनता का स्वयं कर्तव्य बनता है कि वह सतर्कता बरतें। धन्यवाद।